अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं आजिल हसनात। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में फिजाई आलूदगी के तदारुक के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर, महकमा माहौलियात, एजुकेशन, ट्रैफिक पुलिस, एनजीओज और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदगान की शिरकत। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेर सदारत अहम इजलास, संगीन और हाई प्रोफाइल केसेस का जायजा। आईजी पंजाब की वज़ीर-ए-आला पंजाब के महफूज रमजान पैकेज प्रोग्राम को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करने की हदायत। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के डीआईजी ऑपरेशंस और सीटीओ लाहौर के दफातर के दौरे, ऑप्स रूम, खिदमत मरकज और ट्रैफिक पुलिस के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। पंजाब भर से गुज़श्ता 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 58,612 इमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 4,520 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 42,837 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुज़श्ता 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5,185 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 1,052 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब मोहम्मद अदरीस अहमद की जेर सदारत सूबे के तमाम एसपीज इन्वेस्टिगेशन का वीडियो लिंक इजलास। इजलास में मुकदमात के कन्विक्शन रेट को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए अहकाम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इकबाल टाउन लाहौर की बड़ी कार्रवाई, 4 रुकनी रॉबर व डकैत गैंग गिरफ्तार। मुहाफिज स्क्वाड सरगोधा की बड़ी कार्रवाई, पतंग फरोशी की बड़ी सप्लाई नाकाम बना दी। बड़ी तादाद में केमिकल डोरें और पतंगबाजी का सामान बरामद। बरामद होने वाली खेप की मालियत 10 लाख से ज्यादा है। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में फिजाई आलूदगी के तदारुक के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी, महकमा माहौलियात, एजुकेशन, ट्रैफिक पुलिस, एनजीओज और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदगान ने कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। माहरीन का कहना था कि तमाम इदारों को मिलकर फिजाई आलूदगी से नबर्द आजमा होने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। तफसीलात देखिए इस खसूसी रिपोर्ट में। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में माहौलियाती आलूदगी के तदारुक बारे माहरीन की सिफारिशात मुरतब करने के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में मैनेजिंग डायरेक्टर सेफ सिटी समेत डायरेक्टर महकमा तहफ्फुज माहौलियात, सीटीओ लाहौर, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज, एनजीओज और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदगान ने खिताब किया। 2023 के अंदर 56,000 व्हीकल्स ऐसी थीं लाहौर में जिनका हमने जिनके अगेंस्ट कार्रवाई की, आप उसमें ये कह लें या चलान किया, जो स्मोक मिशन करती थी। 2023 पूरे में सिर्फ 16,000 गाड़ियां हमने ऐसी चलान की जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट्स नहीं थे। जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, हमारी कॉलेज ने उस एग्रीकल्चर वेस्ट को इकोनॉमिक में चेंज करते हुए कि लोग आग न लगाएं, हमने उससे गत्ता तैयार कर दिया। अच्छा। ताकि पेपर्स मिल को हम वो रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कर सकते हैं और पायलट प्रोजेक्ट भी लोग लगा सकते हैं। कॉन्फ्रेंस में माहरीन ने माहौलियाती आलूदगी में खातिर खाक कमी के लिए सिफारिशात पेश की। उनका कहना था कि शहरों में इंडस्ट्री, रिहायशी मंसूबों और ग्रीनरी के लिए मखसूस जोन फिक्स करना होंगे। ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट होने के साथ लाहौर और गिर्दोनवा में बड़े पैमाने पर शजरकारी नागुजीर है। हमने क्लीन एयर पॉलिसी पर काम मुकम्मल कर ली। अब हम क्लाइमेट चेंज पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, जो कि आज भी एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से ही जरूरी है। इसके अलावा जो है प्लास्टिक वेस्ट की पॉलिसी पर हमने एक पॉलिसी बना ली हुई है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक मेजर कंट्रीब्यूटर है एयर क्वालिटी के ख़राब होने के लिए। तो जो ट्रांसपोर्ट यूजर्स हैं, जो कम्यूटर्स हैं, जो पब्लिक है, दे मस्ट रियलाइज़ कि उनके कितने कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। उनको अपनी व्हीकल्स को जो है वो फिट रखने की कोशिश करनी चाहिए। माहरीन ने माहौल को महफूज बनाने के लिए सेफ सिटी की आगाही नशरियात को भरपूर सराहा। उनका कहना था कि कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात पर अमल दरामद महफूज माहौल की जानिब संग मील होगा। कैमरामैन अबुजर हाशमी और मसरूरुल हसन के साथ इमरान ताहिर, सेफ सिटी टीवी लाहौर। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेर सदारत अहम इजलास। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब, सीसीपीओ लाहौर, तमाम आरपीओज, सीपीओज, डीपीओज समेत सीनियर अफसरान की बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत।
इस मौके पर आईजी पंजाब का कहना था कि वज़ीर-आला पंजाब की क़यादत में पंजाब पुलिस नए जोश और वलवले से अवामी खिदमत यकीनी बनाएगी। पंजाब पुलिस के तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट्स मजीद तेजी से मुकम्मल होंगे। वज़ीर-आला पंजाब के विजन के तहत खवातीन पुलिस अफसरान और अहलकारों को बेहतरीन स्किल्स और ट्रेनिंग से मजीद बाख्तियार बना रहे हैं। खवातीन बच्चों के साथ ज्यादती तशद्दुद के केसेस में सीनियर अफसरान खुद फॉलोअप लें। एंटी राइट फोर्स को जदीद ट्रेनिंग वसाइल के साथ पंजाब कॉन्स्टेबलरी की सुपरविजन में अपग्रेड किया जा रहा है। मुनज़िम जराइम के खात्मे के लिए ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का दायराकार सूबे के तमाम इजला तक बढ़ाया जाएगा। आईजी पंजाब ने मजीद कहा कि हनी ट्रैप इगवा बराए तावान के जेरे अल्तवा केसेस को भरपूर यकसोई से जल्द निपटाया जाए। तमाम रेड्स बॉडी कैम के साथ और रिकॉर्डिंग यकीनी बनाई जाए। आईजी पंजाब ने कहा कि गैंग रेप और धाती डोर से अमवाद पर जीरो टॉलरेंस होगा। रॉबरी, मर्डर, डबल या जायद मर्डर के केसेस पर मुद्दई मुकदमात के साथ मुसलसल रबता रखा जाए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने डीआईजी ऑपरेशंस और सीटीओ लाहौर के दफातर के दौरे किए। ऑप्स रूम, खिदमत मरकज और ट्रैफिक पुलिस के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना भी किया। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी और सीटीओ लाहौर अमारा अतर ने आईजी पंजाब को ब्रीफिंग दी और दफ्तर की वर्किंग बारे आगाह किया। आईजी पंजाब ने हदायत दी कि डीआईजी ऑपरेशंस और सीटीओ ऑफिसेज को जदीद सहूलियात और वसाइल से आरास्ता करके स्टेट ऑफ द आर्ट दफातर बनाया जाए। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और वसाइल की फराहमी से शहरियों को सर्विस डिलीवरी का अमल मजीद तेज होगा। आईजी पंजाब की शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस का अमल मजीद आसान बनाने की हिदायत। ड्राइविंग लाइसेंस हसूल के लिए आने वाले शहरियों को मेरिट के मुताबिक हर मुमकिन सहूलत मुहैया की जाए। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रेडार के मुताबिक आज मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रहा, जानिए इस रिपोर्ट में। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रेडार के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड 220, पंजाब यूनिवर्सिटी 195 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 245 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मोक मुख्तलिफ अमराज का बाइस बन रही है और इससे बचने के लिए हमें माहिरीन सेहत की इन एडवाइस पर अमल करना होगा। सुबह वॉक पर जाने वाले शहरी स्मोक से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दिल या दमे के मरीज, बूढ़े अफराद और बच्चों को स्मोक से बचाव के लिए ज्यादा एहतियात करें। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। घर में सफाई के लिए पानी और गीला कपड़ा जरूर इस्तेमाल करें और कूड़े को हरगिज आग न लगाएं। ये स्मोक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोक फैलाने वालों की इतला 15 पे दें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब मोहम्मद अदरीस अहमद की जेर सदारत सूबे के तमाम एसपीज इन्वेस्टिगेशन का वीडियो लिंक इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में मुकदमात के कन्विक्शन डेट को बेहतर से बेहतर बनाने के अहकाम जारी किए गए। इस मौके पर एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब का कहना था कि जेरे दफा सीआरपीसी 173 के चालान बरवक्त जमा करवाए जाएं। अबूरी चालान ज्यादा से ज्यादा 17 रोज में जमा करवाए जाएं। मौसर मैनेजमेंट से तफ्तीशी अफसरान के वर्कलोड को मैनेज किया जाए। अंधे कत्ल के मुकदमात को मुकम्मल यकसू करते हुए जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इकबाल टाउन लाहौर का रॉबर व डकैत गैंग के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। चार रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। मुलजमान से लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन और नजायज असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिमान का साबिका रिकॉर्ड याफ्ता रॉबरी और डकैती जैसी दर्जनों वारदातों का इंकशाफ। मुलजिमान शारा आम और पोश इलाकों में गन पॉइंट पर रॉबरी और डकैती की वारदात करके लोगों का कीमती माल लूटकर फरार हो जाते थे। मुलजिमान को पेशावराना सलाहितों, जदीद टेक्नोलॉजी को बुरोकार लाते हुए और पब्लिक रिलेशनशिप की मदद से गिरफ्तार किया गया। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और पंजाब पुलिस के सोशल मीडिया पेजेस।